आईपीएल 2023 सीज़न 16 का नवा मैच केकेआर और आरसीबी के दरमियान हुआ। केकेआर की टीम ने 204 रन बनाए पहले बैटिंग करते हुए, उसके 7 खिलाड़ी आउट हुए, जिसके जवाब में आरसीबी की टीम 123 रन बना सकी। केकेआर ने ये मैच 81 से जीता है। नितेश राणा केकेआर की कप्तानी कर रहे थे, जबकि आरसीबी की कप्तानी फफ डुप्लेसी के पास थी। इस मैच में जो नुमाया स्कोरर हैं, जो बेहतरीन स्कोरर हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की जनब से, वो शार्दुल ठाकुर हैं, जिनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। रहमानुल्लाह गुरबाज, जिन्होंने 57 रन बनाए। रिंकू सिंह, जिन्होंने 46 रन बनाए। जबकि बॉलिंग का जो डिपार्टमेंट है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का, उसमें डेविड विले ने 2 विकटें ली हैं, करण शर्मा ने 2 विकटें ली हैं, मिचेल ब्रेसवेल ने 2 विकटें ली हैं। तो जब चेजिंग करने के लिए विराट कोहली सिर्फ 21 रन बना सके, फफ डुप्लेसी 23 रन बना सके, डेविड विले 20 रन बना सके, तो 123 पे सारी टीम, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की सारी टीम आउट हो गई। शार्दुल ठाकुर को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया है, उन्होंने 68 रन बनाए, इसके साथ साथ 1 विकेट भी ली। तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी गई है शार्दुल ठाकुर की जानिब से, और ये मैच केकेआर की टीम ने जीत लिया है। ये होम ग्राउंड पे खेला जा रहा था, कोलकाता में ये मैच खेला जा रहा था, ये आईपीएल का नवा मैच था। और इस मैच के बाद जो कोलकाता की टीम है उसने अपना पहला मैच जीता है, इससे पहले एक मैच वो हारी हुई है, जबकि अब कोलकाता की टीम एक मैच जीती हुई है। तो जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवक्कोआत थी फैंस की, ख़ास तौर पर विराट कोहली।